जीवीएम एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन बेसिक गिटार लेसन का जो था, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था गिटार को पकड़ते कैसे हैं, और एक एक्सरसाइज भी दिया था आपको, 6 5 4 3 2 1 ऐसा करके एक एक्सरसाइज दिया था। ये एक्सरसाइज राइट हैंड का एक्सरसाइज था। क्यों था? इसको फेमिलियर करने के लिए स्ट्रिंग्स के साथ, और एक स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग्स का जो गैपिंग है इसको समझने के लिए। ठीक है, आज में जो हम लोग लेसन करेंगे वो है आपका लेफ्ट हैंड का। तो ये लेसन करने के लिए आपको गिटार को ऐसे करके होल्ड करना पड़ेगा, थंब को पीछे में डालना पड़ेगा, और आपका जो उंगली है, उंगली का ये लेसन में उंगली का फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट उंगली, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, इसको ऐसे करके हम लोग लेते हैं, मैंने फिफ्थ फिंगर का काम है पूरा। ये कॉर्डिंग करो या तो आप सोलो बजाओ, जो भी है। तो मैं थोड़ा लेसन आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है? अगर आप समझ लो और पेन और एक कॉपी लेके इसको आप एक बार नोट डाउन। नाम है फ्लैट, सो शार्प एंड फ्लैट, ये नोट्स होते हैं गिटार में। ये अभी तक के लिए थोड़ा दिमाग में रखिए, ठीक है? बस उसके बाद में ग्रेजुअली आऊँगा एक एक लेसन बना के, और हर एक लेसन में फिर रिपीट करता हूँ, हर एक लेसन के साथ इंट्रैक्शन होगा, फर्स्ट लेसन के साथ, सेकेंड लेसन का, फिर थर्ड। आप लिख के रखिए और फ्रेट में करना है, ठीक है? सो अभी हम थोड़ा करते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 4 3 2 1, इट मीन्स प्लेक्टम को ऐसे पकड़ेंगे, फर्स्ट जो स्ट्रिंग्स है ये फर्स्ट स्ट्रिंग्स के ऊपर में हम ये बजाएंगे, और आपका फ्रेट होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो कैसे बजाएंगे? 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, ऐसा करके सेकेंड स्ट्रिंग में 1, सेकेंड स्ट्रिंग्स को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग हम लोग ऐसे करके बजाएंगे, ठीक है? 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, फिर थर्ड स्ट्रिंग 1 2 3 3 4 4 3 2 1, उसके बाद नंबर 4 स्ट्रिंग्स, फ्रेट नंबर 1 1 2 3 4, फ्रेट नंबर 1, फ्रेट नंबर 2, फ्रेट नंबर 3, फ्रेट नंबर 4, उसके बाद फिर रिवर्स 4 3 2 1, फिर नंबर 5th नंबर स्ट्रिंग्स 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, 6 स्ट्रिंग्स 1 2 3 4, फिर 4 4 3 2 1, ऐसा करके हर एक स्ट्रिंग्स का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है?
हर एक स्ट्रिंग्स का प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे, इसे करके पकड़ के ऐसा करके प्लेन हॉरिजेंटल वे में हम करेंगे, फोर स्ट्रिंग्स तक, माने फोर फ्रेज तक हम लोग करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा करके हर एक स्ट्रिंग्स को ऊपर में एक एक बार एक एक स्ट्रिंग्स को हम बजाएंगे और पकड़ेंगे 1 2 3 4 ऐसा करके एक बार यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे बजाएंगे, जो जो स्ट्रिंग्स हम लोग बजा रहे हैं वही स्ट्रिंग्स के ऊपर में यहाँ पे फ्रेट को पकड़ना है और स्ट्रिंग्स को भी वैसे ही पकड़ना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसा करके करके पूरा 6 स्ट्रिंग्स तक ये जाएगा, ठीक है। अभी जो सेकेंड एक्सरसाइज है ऑल्टरनेटिव हॉरिजेंटल, सेम ही है बट ये ऑल्टरनेट करके है एक के बाद, सो 1 3 2 4 4 2 3 1 सेम फ्रेट यूज होगा, ठीक है, किंतु ऑल्टरनेट करके। ये कुछ नहीं है, ये आपका मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ जिसके साथ आपको आप आराम से बजा सको। हाँ, और एक तो जो बात है, फर्स्ट बजा जब आप पहले बार इसको बजाओगे, बजाते बजाते ऐसा हो जो आपको उंगली में दर्द करने लगे, पर जैसा भी हो आपको बजाना ही पड़ेगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बाद धीरे 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 इसके साथ आपका फैमिलियर हो जाएगा, तब आपको उतना दर्द भी नहीं करेगा। पहले का शुरुआत में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा भी हुआ था, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, आराम से बजाओ, जो भी है आराम से बजाओ, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रैक्टिस करो, जो मैं दे रहा हूँ लेसन आहिस्ते से प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे दिमाग एकदम ये करके ठंडा करके आप आराम से बजाओ, देखो आप आराम से बजा सकोगे। सो ऑल्टरनेटिव हॉरिजेंटल प्रैक्टिस, फ्रेट सेम फ्रेट 1 2 3 4 एंड देन रिवर्स 4 3 2 1 ऐसा करके ऑल्टरनेटिव में हम लोग इसको बजाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, सो 1 3 2 4 1 नंबर वन स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, उंगली भी ये उंगली होगा फर्स्ट फिंगर, ओके, सो 1 3 3 में नंबर 3 ये रिंग फिंगर 3 में, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, सो 1 3 2 4 4 में ये पिंकी आ जाएगा ये वाला, ठीक है, सो आराम से देखिए 1 3 2 में सेकेंड फिंगर डालेंगे और 4 में पिंकी छोटा वाला जो फिंगर है वो हम डालेंगे, ठीक है, सो 1 3 2 4 उसके बाद 4 2 3 1 ऐसा, सो सेम ऐसा ही हर एक स्ट्रिंग्स के ऊपर में हम बजाएंगे। अभी सेकेंड स्ट्रिंग में हम बजा रहे हैं 1 3 2 4 4 2 3 1 नंबर 3 स्ट्रिंग्स 1 3 2 4 4 2 3 1 नंबर 4 नंबर स्ट्रिंग्स में भी सेम ही अप्लाई होगा 1 3 2 4 4 2 3 1 नंबर 5 स्ट्रिंग्स सेम 1 3 2 4 4 2 3 1 एंड द लास्ट स्ट्रिंग्स बेस स्ट्रिंग्स में ही बजाएंगे 1 3 2 4 4 2 3 1 ऐसा करके हम ऑल्टरनेटिव वेब में बजाएंगे। तो मैं फिर एक बार बजा के दिखाता हूँ आपको 1 3 2 4 4 2 3 1 सेकेंड स्ट्रिंग 1 3 2 4 4 2 3 1 नंबर 3 1 3 2 4 4 2 ये जस्ट आपका फिंगर एक्सरसाइज हो रहा है और कुछ नहीं, तब आपका फ्री हो जाएगा, आप आराम से जो भी है
आराम से बजा सकोगे। देखिए आराम से किंतु इसको, हाँ, फर्स्ट स्ट्रिंग पिंकी, सेकेंड स्ट्रिंग रिंग फिंगर एंड नंबर थ्री स्ट्रिंग्स सेकेंड फिंगर। तो हम लोग ऐसा, तो कैसा, वन टू थ्री, फिर थ्री टू वन, वैसा ही सेकेंड माने थर्ड फ्रेट में भी ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट फ्रेट हो रहा है, वन टू थ्री, थ्री टू वन, फिर वन वन टू थ्री थ्री। ठीक है, ऐसे करके 12 नंबर फ्रेट तक ये चलेगा। फिर ऊपर से भी तीन स्ट्रिंग लेंगे ऐसा करके, सेम वन टू थ्री, थ्री टू वन, 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 वन टू थ्री, थ्री टू वन। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से धीरे 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 आपको बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जित आपका सेकेंड लेसन है उसके बाद में फिर थर्ड लेसन लाऊंगा, ये किंतु एकदम बेसिक लेसन है, किंतु नंबर थ्री जो लेसन होगा वो थोड़ा आपको समझ के ये करना पड़ेगा। और नंबर थ्री का लेसन में जो होगा वो मैं टाइमिंग के साथ में लाऊंगा, जैसे काउंटिंग, फोर फोर काउंटिंग होता है, वन टू थ्री फोर, फिर थ्री फोर काउंटिंग होता है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में, वो लेसन थोड़ा समझ के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आराम से एक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो भी लिखा है इसको लिख के आराम से प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं दिया, एकदम बेसिक चीज़ दिया है, एकदम जस्ट हर एक फ्रेट के ऊपर में हर एक स्ट्रिंग्स का उंगली के साथ जो आपका कॉम्बिनेशन है वही मैंने दिया और कुछ नहीं दिया। प्लेन हॉरिजेंटल दिया है, ऑल्टरनेटिव हॉरिजेंटल दिया है, एक छोड़ के, एक फ्रेट छोड़ के, वन थ्री टू फोर, फिर फोर थ्री टू वन, ऐसे एक यहाँ से यहाँ जाएगा फिर रिवर्स होकर आएगा, ऐसा मैंने सिखा दिया। कोई भी अगर देखना है तो वीडियो का पॉज करो, पॉज करके आराम से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। और वर्टिकली नीचे से तीन सेम फ्रेट, तीन उंगली, ऊपर से भी फिर तीन, ऐसा करके जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने दिया। ठीक है, तो चैनल को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। कोई अगर आप लोग का असुविधा होगा तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको कमेंट्स ये करने का कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के। ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, तो जो जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहले ही आ जाए। ठीक है, तो उसको शेयर कीजिएगा बस। अच्छा, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक से बजाइए धीरे धीरे। और मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ, जो गिटार को कभी भी आप जब भी बजाओगे आराम से बजाना, ऐसा नहीं जे मुझसे नहीं होगा, ये बात तो कभी भी मत कीजिएगा। हर एक चीज़ अगर आपको मन में अगर जुनून रहेगा जहाँ मुझे करना है, तो हर कोई भी मुश्किल को बड़ी आसानी से पार कर सकते हो। ठीक है, यही कहना था। तो मिलते हैं थर्ड लेसन में।